गाइस मी धीरू वांचक माइक का रखा है भैया, माइक के पास रख लो। सो हे गाइस इट्स मी धीरू वांचक एंड सस्ता बिग बॉस ऑफ टिकटॉकर्स के पार्ट टू में आपका स्वागत है। सो गाइस मैंने पिछले पार्ट में पूछा था कि तुम्हें पार्ट टू चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और काफी सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि भाई पार्ट टू चाहिए। तो इतना बोलने में तो भाई मैं नंगा होकर नाचने तैयार हूँ, तुम तो पार्ट टू बनाने की बात करते हो। सो गाइस तुम्हें पिछले पार्ट की वाटर बेबीज याद है? हमें बीचेस बहुत पसंद है, वी आर वाटर बेबीज। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल डांसर है, वाटर बेबीज है, याद रखना। ओके तो गाइस मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक वाटर बेबी हूँ, मुझे भी पानी से खेलना बहुत पसंद है, मैं भी जल पारा हूँ। तो भैया मैं गया था अपने दोस्त के घर पे, उसके घर पे स्विमिंग पूल था, वो देख के मेरा मन कर गया भाई मैं भी नहाऊंगा। तो मैंने कपड़े वपड़े उतारे और कूद गया स्विमिंग पूल में, लेकिन ठंड बहुत थी, ठंड के कारण वहां पे पूल के अंदर बर्फ जम चुकी थी। तकिए से काम नहीं चलेगा भैया, हमको इस कंबल की मदद लेनी पड़ेगी। ओके गाइस नाउ आई एम फीलिंग बेटर, यस बेटर, अब मैं अपना 100% दूंगा एंड आगे भी 100% देती रहूंगी। तो भैया तुमने अभी तक पिछले पार्ट में देखा था कि कुछ टिकटॉकर्स को एक घर के अंदर कैद कर दिया गया था, उसके बाद उनमें कुछ गुत्थम गुत्था हुई और कईयों ने अपने टैलेंट का एकदम जबरदस्त प्रदर्शन किया और कई महान लोगों ने अपने खिलौनों के बारे में बात करी। मेरे फैंस को पता ही है कि मुझे टॉयज बहुत पसंद है। ओके, इनको टॉयज बहुत पसंद है। छोटा टॉय है जो कि मेरे से भी ज्यादा फेमस है, दैट इज कालू। तो गाइस लास्ट टाइम मैंने 3 एपिसोड्स देखे थे, उसके आगे मैं देख नहीं पाया था, तो आज हिम्मत जुटा के हम आगे के एपिसोड्स देखेंगे। All fun today, we are in वहाँ की सारी अरेंजमेंट इतनी अच्छी थी, वहाँ का खाना, मतलब कि मैंने बहुत टाइम के बाद उतना अच्छा खाना खाया। हाँ obviously हो सकता है, क्योंकि बाकी टाइम तो तुम अपने हाथ से बना के खाते होगे ना, तो बटर बेबीज, यस। जो मेरी बहुत ही गंदी फटी मैं कभी गाली नहीं देती हूँ, तो मैं उसको ऊपर से गाली दे रही हूँ, उतार दे तेरी आज नहीं तो मैं उतरते ही नीचे। साफ साफ बोल नहीं पाए, ये कहना चाह रहे हैं कि उतरते ही तेरी माच। कैसे अब सोचोगे तुम, हाओ तो इनका वो टॉय है ना कालू। अरे भैया तुम हाइट पे जा रहे हो ऊपर, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ऊपर जाके छुपन छुपाई खेलोगे, फटेगी हाइट पे जाके, तो क्यों जाना था जब फटती है तो। गाइस आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम एकदम डिसअपॉइंटेड भाई, मुझे लगा बटर बेबीज बीच पे गई हैं, उन्हें बीच बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो वहां जाके ऐसे 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 करके नाचेंगी, रेत पे कूदी फिरेंगी, इधर से उधर पलटियां मारती फिरेंगी, लेकिन उनका तो कहीं से कहीं तक क्लिप ही नहीं दिखाया भाई, ये तो बड़ी अफसोस वाली बात है। बातचीत चल रही है पूरी निशा और विशाल में। अब ये तो उनको बता क्यों भाई, बातचीत है। खुद देखा था हाथ विच हाथ सी ते बुल्ला च है 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 है, क्या था, क्या क्या विच क्या थी, बुंड विच बुंड, रुक जाओ, हाथ विच हाथ सी ते बुल्ला च। बाकी सब बाद में, लेकिन साला पहले मुझे ये बताओ इसको किस बात की खुशी है, खोया हुआ सुरती का पैकेट थोड़ी मिल गया तुम्हारा, इसकी और इसकी बात ही तो चल रही है। आज तो चूरे लगा के सुरती खाऊंगी। बुरला बिच बुंड सी, इतनी पंजाबी तो नहीं आती क्या मतलब, लेकिन बुंड बुंड समझ में आया मुझे, ये तो वेरी नाइस बुंड है जी। तो वेरी नाइस बुंड है, ये तो मेरी पसंद की बुंड है। अगर सही में कुछ ऐसा होता कि हाथा विच हाथ सी और बुंडा विच बुंड सी। वेल डन,
तालियां होनी चाहिए यार। क्या मजेदार चीज होती फिर। मैं और मेरा गंदा दिमाग, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी मुझे, नरक में भी जगह। वो कुछ और कहा पंजाबी में, इतनी पंजाबी तो मुझे आती नहीं, मैं समझ जाऊँ सब कुछ, तो जो भी है तुम बता देना कमेंट में। कोई ग्रुपिज्म नहीं है, जिसके साथ बॉन्डिंग अच्छी है उसकी उसके साथ बन रही है। बॉन्डिंग तो हत्ता विच हत और बुंडा विच बुंड की हो रही है अच्छी खासी, वो वाली बॉन्डिंग करके दिखाओ ना। मैम मैंने बोला कि सुबह से मेरा नेल टूट गया है, मेरे को सिर्फ नेल एक्सटेंशन करवाना है। मेकअप ज्यादा करना पड़ गया था ना, वो लोग ये बोल रहे कि नहीं है। आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा रहता अपनी मस्ती में, मैं अपना आईफोन फ्लैक्स करके रिकॉर्ड करेगा, तू कर करा कैमरा बंद कर। ये बड़े सारे लॉन्डे सोच रहे नेल एक्सटेंशन होता क्या है, प्लास व्लास से खींच के नाखून वाखून बाहर निकालते हैं क्या, ऐसा कुछ करके। मैं भी यही सोच रहा था अभी, तो मैंने सीधे गूगल सर्च किया और ये ऐसा कुछ होता है। ये क्या कहते हैं भयंकर फाइबर वाइबर लगा के नेल ऐसे आगे को बढ़ा देते हैं तो लंबे लंबे नाखून बन जाते हैं। अब हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि नाखून टूटा कैसे, देखो मेरा यही सोचते लाइट भी भाग चुकी है, मतलब कुछ तो गड़बड़। उस दिन मैं दो तीन लोगों पे थोड़ा भड़क गई थी एंड मैंने सॉरी भी बोला था क्योंकि मैंने उन पे चिल्लाया था, वो गलत बात थी बट मैंने सॉरी बोला था। ओहो बहुत ही बढ़िया, पहले सामने वाले के मुंह पे खाना करने वाला चम्मच लेके खड़े हो जाओ, उसकी फाड़ के चौवारा कर दो, फिर सॉरी बोल दो, माफ कर दो गलती होगी, सॉरी सॉरी डार्लिंग। मैं इनसे दो तीन बार बोला कि मेरे को वीडियो भेज देना, मेरे को याद नहीं है कब बोला, परसों भी बोला था मैंने इनको, अरे मैं आपकी वीडियो रख के क्या करूंगी। निशा को मैंने भी बोला कि मेरे साथ वीडियो बनाओ, निशा इग्नोर कर रही है, निशा देख ही नहीं रही है। हाँ तो सीधी सी बात है, सामने वाला बंदा तुम्हारे साथ वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, उसे और कहीं वीडियो बनानी होगी। समझने वाले समझ गए। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, यस नहीं बोलना चाहिए मुझे बार बार, ठीक है। It's her choice. तो भैया अभी इनका एक गेम चालू है जिसमें बोर्ड है जिसपे लिखा है kill, marry and hook up. तो अभी इसमें से जो भी आएगा उसका इन्हें सबके सबको आंसर देना होगा। अगर मैरी पे आया तो who would you like to marry? Okay. And who would you like to hook up? मैरी मैं स्वाति का नाम लूंगा। अरे मैं मैरी क्योंकि भैया जी एकदम खतरनाक हो रहे हैं भैंचो, ये वही हरामी लौंड है जो साले मोहल्ले की भाभियों को लाइने मारता है बिन बार छत पे चढ़ चढ़ के। गौर से देखो इस हरामी खतरनाक चेहरे को, तुम्हारे ग्रुप में भी एक लौंडा ऐसा ही होगा जो अपनी नजर मोहल्ले की भाभियों पे, आस पड़ोस की भाभियों और आंटियों पे रखता होगा। अमरीका का दलाल भैंचो, वो मैरिड है और बहुत अच्छे से अपने पैशन और अपनी मैरिड लाइफ को वो हैंडल कर रही है, तो भैया बहुत सही खेल गए तुम, ये बात थी नहीं जो तुमने बोली है, चलो ठीक है। सो इट्स हुक अप फॉर यू विशाल, सच्चा प्यार है, सीधा है, सीधा घुमा के नहीं आ रहा। विशाल सीट एक्सचेंज करूं? नहीं नहीं बैठ लो, देख लो अगर मूड बन रहा है तो, मूड बन रहा है तो। ये भाई ये लड़की बहुत खतरनाक है, ये साला शुरू से ही डबल मीनिंग बातें कर रही है। देखो अभी तुम मुझसे कहोगे कि तू साले हरामी हो रहा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जल्लाद तेरी गांड पे पट्टे मारेगा साले, जैसी 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 तू बातें कर रहा, लेकिन इसकी बातें सुन रहा तुम, मूड बन रहा तो। ठीक है हाँ चलो जो भी है अच्छा है, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, सही है अच्छा है, चलो ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलना चाह रहा, बहुत हो गया। आई थिंक दिस वॉज वन परफॉर्मेंस जिसमें सबके मुंह खुले थे बट आवाज नहीं निकल रही थी, दीदी को आवाजें सुननी है, नॉटी गर्ल, थोड़ी देर और छोड़ो इन्हें, आवाजें क्या पता नहीं क्या क्या सुनाई दिलवा देंगे ये। बस गाइस देख चुका मैं सब कुछ, अब कुछ नहीं है बाकी देखने के लिए, वीडियो हम इधर ही खत्म करता है, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरा दिमाग बहुत खतरनाक चल रहा है आजकल। तो मैं करता चलो मैं वीडियो इधर ही खत्म करता हूं, वीडियो देख के मजा आया तो प्लीज लाइक जो करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब करो, यस जितने भी देख रहा है सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करो प्लीज, नोटिफिकेशन बेल भी दबाना, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। और क्या कहते हैं गाइस, मे बी ये साल का आखिरी वीडियो होगा अब, तो मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहो,
बाकी मैं अपना 100% देता रहूंगा।